I think we are in a state of undeclared emergency. Probably. Because my friend, why are you in a hurry? Don't be in a hurry. Because you were in a hurry, the cart is before the horse. Your home minister tried to put the horse before the horse. That's not correct. Don't be in a hurry. That is why my friend, who is a member of parliament of Lok Sabha, Farooq Abdullah, I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Yes, Mr. Omar Abdullah and the former chief minister Mehbooba, both where we don't know where they are. First of all, Mr. Speaker, I am on a 5-judge. Manish Sudarshan. 5-member judgment. Manish. I am on a 5-member judgment. Manish Sudarshan. Please hear me. Manish Sudarshan, aap biraje. Manish Sudarshan, aap biraje. Manish Sudarshan, please. Sit down. Please sit down. Please, Manish Sudarshan, please sit down. Please sit down. Please, baat. No. Jab Manish Sudarshan, please. Main aapko. No. No. आपको चर्चा के समय, आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा। मानस वैसे आप जो बोलना है बोलना, डिबेट पर आप बोलना। हाँ, डिबेट पे इश्यू उठा, डिबेट शुरू हो चुकी। नो, प्लीज अब माननीय गृह मंत्री जी बिल पर प्रस्तावना करेंगे। प्लीज आप डिबेट पर चर्चा करना, उसमें बोलना। आप डिबेट पर चर्चा होगी ना, जब बोलना ना, आप जितना बोलना चाहे बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। हाँ, बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। प्लीज बैठ जाइए, आपके सदस्य बोलेंगे डिबेट पर, आप भी बोल लेना। जिस भी मान्य सदस्य को बोलना है डिबेट पर बोलना, अपने अपने दल के नेताओं से बात। प्लीज आपको डिबेट पर चांस दूंगा आपको। नो, अभी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं, आप जनरल बात बोल रहे हैं। नो, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा आपको बोलने का मौका दे दिया। माननीय गृह, माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है, वो महान सदन, ये महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है, वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा, काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं, उसकी कानूनी वैधता क्या है, संवैधानिक पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके, इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। सभापति माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है। इसके तहत 370(1)(d) अनुच्छेद 370 के 1(d) का उपयोग करते हुए ये एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जिसमें भारत के संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे, और इसका मतलब है कि 35A चली और 367
और 370 वन डी को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा जिसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है इसको सीज करने का एक प्रस्ताव अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव और शैल बी ऑपरेटिव ओनली विथ सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड फ्रॉम सच डेट एज ही मे स्पेसिफाई। राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं पर बैठ अरे बैठो लो अरे पूरा सुनिए भाई पहले सुनिए बैठिए आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा। बालू साहब मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है कि धारा 370(3) का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर टू इन क्लोज टू शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। अब मैं आता हूं माननीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। मैंने जो पहले उल्लेख किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 367 रेड विथ 371(d) इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर ये शब्द प्रयोग किया है। तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से दो बार किया है, पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371(d) का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदरे रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदरे रियासत किया, और 1965 में सदरे रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है उनके शासन में दो बार राष्ट्रपति महोदय भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं है, इतना जो हो हल्ला कर रहे हो इसका दो बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। कैबिनेट मतलब सरकार।
और अब आया असेंबली। अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है। धारा 356 एक बी, इसके हिसाब से असेंबली की पूरी सत्ताएं ये दोनों सदनों में निहित है। ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल माननीय मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि ये सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन मुझे देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल मैं लेकर आया हूं, इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा। मगर हम वाद विवाद करें, विटंडा वाद ना करें। वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं एक बात कहता हूं, उसके सामने आप दो चीज खड़ी कर सकते हो। मेरा दायित्व तो है, संवैधानिक दायित्व तो है कि मैं इसका जवाब दूं सदन को, परंतु हो अल्लाह करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। अब जहां तक बाइफर्केशन का सवाल है माननीय, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए, इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में दो यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें एक्साइज चीन भी समाहित होगा और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिसे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी, वो बीथ असेंबली बनेगी, वहां एमएलए भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। तो एक दूसरा बिल मैं लेकर आया हूं कि दो यूटी बनाए जाए और इसका भी मैंने जैसे पहले आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आर्टिकल 1 और जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 3 दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो इसका भी पूर्ण अधिकार इस संसद को है। तो ये दोनों बिल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब सारे लोगों को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है, जो पार्टियों ने लिस्ट दिए उसके हिसाब से रखे। मैं तसल्ली से एक एक सेकंड यहां बैठने वाला हूं, पूरा नोट करूंगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की मेरी तैयारी भी है, परंतु शांत वातावरण में चर्चा हो। तो घाटी भी हमें देख रही है, देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। तो श्री मनीष तिवारी जी, मनीष